नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे पास एक और यूपीएस रिपेयर होने को आया है जो कि माइक्रोटेक कंपनी का है। 24 वोल्ट में ये है। इसका मॉडल नंबर है JM2000। ये 24 वोल्ट का यानी डुअल बैटरी का यूपीएस है हमारा। दोस्तों, जो इसका फॉल्ट है वो ओवरलोड का फॉल्ट है। यहाँ पे जो हमारे LED ओवरलोड की लगी हुई है, ये जैसे हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं ये LED हमारी ग्लो कर जाती है। ओवरलोड का इसमें हमारा LED ऑन हो जाता है। तो चलिए, मैं अभी आपको कनेक्ट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ से दोस्तों हमने एक छोटी सी बैटरी लगा रखी है बाहर से, जो कि 12 वोल्ट की है, और एक बड़ी वाली बैटरी। तो हम 24 वोल्ट से इसी को बना के चेक करेंगे। तो यहाँ से मैंने एक ब्लैक वायर जो कि पहले से ही कनेक्ट कर ली है, दूसरी वायर हम कनेक्ट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया, UPS हमारा ऑन हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन उसके साथ में एक लाइट हमारी और ग्लो हो चुकी है जो कि ओवरलोड की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा ओवरलोड का इंटीग्रेशन कर रहा है। अगर हम स्विच को ऑफ कर देते हैं, फिर से जो ऑन करते हैं, तब भी हमारा इसी तरीके का एक ही लाइट ऑन है, जो कि यही हमको इंटीग्रेशन दे रही कि हमारा UPS ओवरलोड है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं PCB के अंदर कि हमारा कहाँ से फॉल्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों अब हम चेक करेंगे अपने बोर्ड में कि हमारा कौन सा कंपोनेंट ख़राब है, जिसकी वजह से ये हमारा ओवरलोड शो कर रहा है। तो दोस्तों, आपका एक रीज़न ये भी हो सकता है, यहाँ पे जो आपके MOSFET लगाए गए हैं, अगर ये भी ख़राब हो जाएंगे अंदर से या फिर फट जाएंगे, तब भी हो सकता है आपका ओवरलोड आना शो हो जाए। तो दोस्तों, इसे चेक करने के लिए आप आसानी से मल्टीमीटर से भी इनको चेक कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर आपका जो ड्रेन का दोनों वायर लगाया जाता है, इनको ओपन कर लें। अगर आपका MOSFET से होगा तो ओवरलोड आना बंद हो जाएगा। अगर आपके MOSFET सही होते हैं, बोर्ड में कहीं से आपका दिक्कत होता है, तो ओवरलोड आपका आता रहेगा। तो चलिए एक बार ड्रेन के वायर को ओपन करके उसके बाद चेक करते हैं कि हमारा फॉल्ट कहाँ से है। तो यहाँ पे दोस्तों, हमने जो अपने दोनों ट्रांसफार्मर ड्रेन के दोनों वायर जाते हैं, हमने इनको ओपन कर लिया है। अब उसके बाद एक बार लगा के चेक करते हैं कि हमारा ओवरलोड शो हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए दोस्तों, यहाँ से जो हमारी बैटरी पॉजिटिव की वायर है, इनको हम कनेक्ट करते हैं। यहाँ से हमने इसको जैसे ही कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे अब भी हमारा इंटीग्रेशन शो हो रहा है, LED ग्लो कर रही है, जो कि ओवरलोड की। एक बार ऑन ऑफ करके आपको दिखा दें, यहाँ पे जैसे हम इनको ऑन या ऑफ करते हैं, इस तरीके का अब भी हमारा इंटीग्रेशन शो हो रहा है। तो चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, अब हम वोल्टेज को चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को हमने सेट कर लिया DC रेंज में। मल्टीमीटर की एक ब्लैक वायर जो कि हमने बैटरी माइनस यहाँ से ले ली है, दूसरी वाली वायर से हम वोल्टेज चेक करेंगे। अब हम अपनी माइक्रो कंट्रोलर IC पिन नंबर 4 और 5 पे वोल्टेज चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं वोल्टेज आपको चेक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे वोल्ट आ रहे हैं, 3.35 वोल्ट आ रहे हैं। ये वोल्ट हमारे नहीं आने चाहिए। अगर ये वोल्टेज हमारे आते हैं तो ये हमारा कंटिन्यू ओवरलोड शो करेगा। तो ये जो हमारे वोल्ट आ रहे हैं, ये आपकी जो IC लगाई गई है LM324N, यहाँ पे आप इसका नंबर भी देख सकते हैं। यहाँ पे LM324N जो हमारी IC लगाई गई है, यही हमारी ख़राब हो गई। हमारी IC है, इसको हम चेंज कर देंगे LM324N दूसरी लगा के। उसके बाद अभी हम आपको चेक करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, जो हमारी IC थी LM324, हमने उसको रिमूव कर दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। और हमने जितने लेग थे अच्छे से इनको क्लीन कर लिया है। अब हम दूसरी IC लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो IC है, यहाँ पे आप देख सकते हैं LM324N, इनको लगाते हैं। ये हमारी आसानी के साथ IC लग चुकी है। अब हम पीछे से इनके सारे लेग सोल्ड कर देते हैं, उसके बाद अभी आपको चेक करके दिखा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों, एक चीज़ और आपको बता दूँ, ये जब हम IC चेंज कर रहे थे, तो यहाँ पे इसकी जो जस्ट बगल एक रेजिस्टेंस लगाई गई है, ये टूट गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें, ये टूट गई थी। तो हमने इसको दूसरा नीचे से लगा दिया है। तो चलिए अब चेक करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों, हमने IC लगाने के बाद जितने जैक होते हैं, उनको हमने अच्छी तरीके से कनेक्ट कर दिया।
और अब हम चेक करवाएंगे आपको। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा यूपीएस को अपने सीधा कर लूँ ताकि आपको आसानी के साथ चेक करवा सकें। यूपीएस को हमने सीधा कर लिया है, एक वायर हमने पहले से ही कनेक्ट की हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। दूसरी जो हमारी बैटरी पॉजिटिव की वायर है, इसको हम कनेक्ट करते हैं। यूपीएस हमारा ऑन हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई रेड लाइट नहीं है, कोई हमारा ओवरलोड का इंडिकेट नहीं कर रहा है। ऑन ऑफ करके आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसकी अगर हम आपको आउटपुट भी चेक करवाएं, तो अभी हम आपको इसकी आउटपुट भी चेक करवा रहे हैं। यहाँ पे हमने एक 200 वाट का बल्ब रखा हुआ है जिससे हम आउटपुट चेक कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी आउटपुट भी अच्छे से काम करने लगी। और अगर हम चार्जिंग की बात करें, तो मैं अभी आपको इसकी चार्जिंग के लिए ये जो अपना 220 का वायर है उसको बोर्ड में इन करेंगे। तो अब हमने इन कर दिया, ये हमारा मेंस ऑन हो गया है और ये हमारा चार्ज भी करने लगा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी ठीक कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जो भाई लोग हमारे चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि जब भी मैं इस तरीके की वीडियो अपलोड करूँगा आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।